मेरा नाम है मीनल जाडेजा और आप देख रहे हैं जागरूक टाइम्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पोटेकला केंद्र पंडाल में आए हैं, जहां पर गणपति जी की मूर्तियां बनती है। तो आज हम वही देखने आए हैं कि गणपति जी की मूर्तियां कैसे बनती है, उन्हें सजाया कैसे जाता है, उन्हें कलर कैसे किया जाता है, इनके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है और ये हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं कलाकारों से बात करने के लिए, मूर्तिकारों से बात करने के लिए कि वो गणपति जी की मूर्तियां कैसे बनाते हैं। तो ये है अविनाश जी और ये पूरा पंडाल संभालते हैं यहाँ का। तो आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। सो अविनाश जी, आपने ये पंडाल कब से स्टार्ट किया? ये हमारा पंडाल यहाँ पर 2 महीने पहले चालू होता है, लाइक पूरा मंडल बनने। लेकिन हमारा जो ये बैकग्राउंड है, जो बैक एंड है इसका, वो जनवरी से चालू हुआ था। लाइक हर एक मूर्ति से लेके सब कुछ, प्रोडक्शन से लेके उसका पेंटिंग से लेके सब जनवरी में चालू हुआ था। अच्छा, तो ये जो मूर्ति होती है, इनके पीछे कितने लोगों की मेहनत लगती है? ऐसा देखने जाएगा तो लोग बोलते हैं, एक ऐसा कुछ नहीं, एक मूर्ति बनने के लिए उसको पहले मोल्ड से निकालने से जो एंड यहाँ तक जो होता है ना, उसके पीछे नहीं नहीं बल्कि 7-8 कारीगर का काम हो जाता है। लाइक उसको निकलने से, उसको कलर मारने से, उसके आँखों से लेकर, उनके बॉडी शेड से लेकर, उनके ऊपर जो काम होता, कारीगरी होती है, वो उसके नई नई बोल बोल के 8 लोग हो जाते हैं, 8 से 9 लोग हो ही जाते हैं। एक मूर्ति को बनने में कितना समय लगता है? एक मूर्ति को बनने के लिए ऐसे POP तो बोलते हैं, फटक से मोल्ड में से निकल जाता है, लेकिन वो निकलने के बाद उसके बाद भी उस पर फिनिशिंग, पेंटिंग, वाइट, वो सब होते होते उसको 2-3 लग जाते हैं। ये मूर्ति जो बनाते हैं, उनसे मिल सकते हैं हम? जो बनाते हैं, एक्चुअली ये हमारा सब काम गांव में चालू होता है मेन, तो क्योंकि बॉम्बे में इतनी बड़ी जगह नहीं है हमारे पास। जैसे हमारा काम जनवरी में गांव में चालू होता है और जो मूर्तिकार है एग्जैक्टली वो नहीं, क्योंकि हमारा ये खुद का प्रोडक्शन है और हमारे जो मेन अभी जो काम चालू है गाँव में चालू है, तो अभी वो यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर हमारे पेंटर्स है जो लाइक इसमें कुछ टचअप हुआ या कुछ पेंटिंग करना है तो वो करेंगे, और हमारे पास कारीगर जो ये मूर्ति के काम कर, जिन्होंने ये मूर्ति का काम कर चुका लाइक कुछ हाथों से लेकर कुछ, वो सब वो हमारे पास अभी एट प्रेजेंट है। गांव से, मतलब आपने कहा कि गांव से मूर्तियां यहां पर आती है, तो वो डैमेज नहीं होती है? कैसे आती है यहां पर मूर्तियां? POP की मूर्तियां आ जाती है गाड़ी में, ऐसा ट्रक टेम्पो या सब में आ जाती है, मिट्टी भी आ जाती है, बस संभाल के चलाने वाला चाहिए। मूर्तियां तो सारे गांव में ही बनती है, लेकिन बस बड़े बड़े मूर्तियां जो 10-15 फीट लाल बाग ये सब जगह पे बनते हैं, लेकिन ये सब छोटे छोटे मूर्तियां इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। POP और इको फ्रेंडली में कौन सी अच्छी रहती है? एट प्रेजेंट दोनों भी इक्वली है। लाइक पहले तो ये बोलते थे POP पानी में नहीं डाल सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो अल्टरनेट आ गया, जब से कोरोना आया तब से पॉन्ड दे दिया उन्होंने, तो पॉन्ड की वजह से क्या हो गया कि लोगों को ज़्यादा जाना नहीं पड़ता है पॉन्ड बाजू में, और वो जो POP का मूर्ति रहता है उसका रीयूज़ हो सकते हो, POP का लाइक विसर्जन करने के बाद उसको रीयूज़ कर सकते। लेकिन पहले कैसे था, समंदर में डालना पड़ता था, लोग बोलते थे कि समंदर में डाल दिया तो नेचर को इफेक्ट होगा, ये होगा एनवायरमेंट पे, ये होगा। लेकिन अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम अगर तुमको गणपति तो बिठाना ही है, POP भी बिठाना ही है, लेकिन अगर है तुम्हारे पास ऑप्शन आर्टिफिशियल पॉन्ड का, तो क्यों तुमको उसमें समंदर में ही करना है? POP तो अभी भी बिठा सकते हो, तो ऐसा कुछ नेचर को इतना इफेक्ट नहीं होगा अभी, क्योंकि आर्टिफिशियल पॉन्ड है वो है, तो ऐसा अभी तो तुम दोनों भी प्रीफर कर सकते हो। लोग बोलते हैं मट्टी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, अब तुम दोनों भी कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास अल्टरनेटिव है, ऑप्शंस अपने पास बहुत सारे, सॉल्यूशंस भी है, बस लोग देखते नहीं है वैसे। जैसा कि आपने कहा कि POP का रीयूज हो जाता है, तो वो रीयूज क्या होता है वो आप हमें बताइए। POP को मैश करके आप उसको, जो सीलिंग बनता है हमारे घर में POP का बहुत सारे यूज है, लाइक सीलिंग, अभी तो मैं इतना कोई एग्जांपल याद नहीं है, लेकिन POP नॉर्मल POP हर घर में यूज होता है, सीलिंग से लेकर टाइल्स में किधर लग जाता है, तो सब आर्टिफिशियल्स वो सब में यूज होता है।
लोग अभी कौन सा ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज्यादा पीओपी लेते हैं या फिर इको फ्रेंडली? कोरोना के बाद से तो लोगों का क्या बोलते हैं, एक डायवर्जन हो गया है मट्टी की तरफ। उनको कैसा मट्टी में एक उन्होंने देखा कि हाँ कि नेचर को लेके थोड़ा ज्यादा कंजर्व हो गए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है लेकिन लोग कैसा एक स्टेप ले रहे हैं मट्टी की तरफ। अच्छा है, मट्टी प्रीफर कर रहे हैं लोग एज कम्पेयर टू हर साल की तरह, इस बार मट्टी थोड़ा ज्यादा हुआ है। पीओपी और इको फ्रेंडली दोनों में कॉस्ट में कितना डिफरेंस है? कॉस्टिंग का डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि पीओपी का प्रोडक्शन बहुत है, पीओपी का डिमांड भी है, इसलिए पीओपी एज कम्पेयर टू मट्टी सस्ता है क्योंकि मट्टी का प्रोडक्शन कम है। अभी भी मट्टी के ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते लोग क्योंकि मट्टी को बनने में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है मट्टी बहुत, और इतने लोग ज़्यादा मट्टी लेते नहीं है, वो डरते हैं, लोग डरते हैं अभी भी कि गणपति है भगवान की चीज़ है तो वो जो टूटती है ना तो हर्ट होता है वो, तो लोग उतना प्रीफर तो भी मट्टी नहीं करते, इसलिए पीओपी करते हैं। तो मट्टी को देखने जाओगे ना तो ज़्यादा लोग उतना प्रीफर नहीं करते अभी के टाइम में, तो कैसा हो रहा है लेकिन पहले मट्टी था ही नहीं, पहले लोग ले रहे थे लेकिन उतना नहीं, अभी है मट्टी ले रहे लोग। चलिए अब हम इनसे मिलते हैं, इनका नाम है अंकित और ये यहाँ पर डायमंड का वर्क करते हैं। तो अंकित आप डायमंड में क्या वर्क करते हैं, लाइक आप क्या करते हैं? डायमंड वर्क करते हैं, डायमंड में डायमंड चेन बॉल चेन ये सब रहता है, ऐसा वर्क करते हैं मूर्ति है, और इधर अच्छा लगता है काम भी करके, यही एक साल मिलता है काम करने को, अच्छा लगता है। कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए मेरे को यहाँ पे आके। 3 साल यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा, कितना एक्सपीरियंस लिया? ये सब डायमंड वर्क देख देखते बनाते बनाते आ गया, करना चालू कर दिए, मूर्ति कर दिए। तो देखा दोस्तों आपने कि यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिल रही है, एक से एक खूबसूरत मूर्तियाँ है, और मूर्तिकारों ने इतनी मेहनत से कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई है। हम तो हमारे घर पर लेकर आ जाते हैं पर इनके पीछे कितने लोगों की मेहनत रहती है, कितने समय की मेहनत रहती है, वो आज हमें पता चल रहा है।